आप सभी का स्वागत है हमारी रसोई में। आज हम बनाने वाले हैं आसान तरीके से राम लड्डू, जो खाने में ये बहुत टेस्टी लगते हैं। चलो बनाते हैं। हम राम लड्डू बनाने के लिए चने की दाल और मूंग की दाल लेंगे। ये एक कप मूंग की दाल है और एक कप का चौथाई भाग चने की दाल डाल के इसे 5 घंटे के लिए भिगो लेंगे और भिगोने के बाद धो करके साफ़ कर लेंगे और मिक्सी में ददरा पीस लेंगे। अब हमने दाल ददरी पीस ली है और ज़्यादा बारीक नहीं पीसनी। अब इसे अच्छे से फेंटेंगे। अब हमने अच्छे से दाल फेंट ली है और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और नमक को भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे कलर के लिए और इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमारी दाल अच्छे से फेंट गई है। अब हम पानी में डाल के दिखाएंगे। जो दाल ऊपर तैरने लगी तो समझो हमारी दाल फटी हुई है और आप देख सकते हैं अब हमारी दाल अच्छे से फेंटी हुई है। अब हम चटनी बनाएंगे। अब चटनी बनाने के लिए एक मिक्सी का जार लेंगे और जार में थोड़े से उसके मूली के पत्ते डालेंगे चटनी बनाने के लिए, इसे अच्छा स्वाद आता है। और थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और थोड़ा सा पुदीना डालेंगे। पुदीना डालने के बाद हरी मिर्च डालेंगे और हरी मिर्च के बाद इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे और जीरा डालने के बाद स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया डालेंगे और इसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ देंगे और नींबू निचोड़ने के बाद इसमें थोड़ा सा अमचूर डाल देंगे और थोड़ा सा इसमें रिफाइंड डालेंगे जिससे हमारी चटनी अच्छी बनेगी और पानी भी नहीं छोड़ेगी और इसे पीस लेंगे। अब हमने चटनी पीस ली है, आपको खोल कर दिखाती हूँ कितनी अच्छी चटनी पीसी है हमारी। और इसे एक बाउल में पलट लेंगे और आपको दिखाती हूँ इतनी पतली चटनी पीसनी है, ज़्यादा गाढ़ी नहीं पीसनी। अब हम राम लड्डू बनाएंगे। अब हमारा तेल गर्म हो गया है, अब इसमें राम लड्डू बनाएंगे और थोड़ा थोड़ा बैटर डाल के अच्छे से राम लड्डू बनाएंगे गोल गोल आकार में और इसी तरीके से सारे राम लड्डू बना लेंगे। अब हमारे राम लड्डू एक तरफ से सिक गए हैं, अब दूसरी तरफ को पलट के सेक लेंगे और इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे। अब हमारे राम लड्डू सिक कर तैयार हैं, अब इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हमने सारे राम लड्डू निकाल लिए हैं, इसी तरीके से सारे राम लड्डू बना लेने हैं। अब हमारे राम लड्डू बनकर तैयार हैं, अब इन पर हम मूली डालेंगे और मूली डालने के बाद इस पर हरी चटनी डालेंगे और ये खाने बहुत टेस्टी लगते हैं। आप एक बार अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें और मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना।